रिलेशन बिटवीन जी एंड जी. तो यहाँ पर स्मॉल जी क्या होता है? वी नो दैट स्मॉल जी इज एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट. एंड कैपिटल जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. तो हमें क्या करना है यहाँ पर, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इनके बीच में रिलेशन निकालना है, राइट. ये था हमारा कंसेप्ट रिलेशन बिटवीन जी एंड जी. सो लेट अस कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास एम. सपोज दिस इज अर्थ. ये मान लेते हैं हमारे पास में क्या है, अर्थ. और अर्थ के लिए मास क्या मान लेते हैं, कैपिटल एम. एंड सपोज आर इज रेडियस ऑफ अर्थ. दिस इज एनी बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम विच इज प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ. नाउ वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड दिस बॉडी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर. दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट. नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटी वी नो दैट ग्रेविटी पुल की डेफिनेशन क्या होती है. ग्रेविटी मीन्स फोर्स, और द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर. सो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की डेफिनेशन के अनुसार यदि हम फोर्स निकालें कि अर्थ इस बॉडी को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, दैट इज इक्वल टू इट्स वेट एंड दैट इज इक्वल टू एम जी. सो यदि हम एक और दो इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों का सेम मीनिंग है कि ये भी उतना ही फोर्स है और ये भी उतना ही फोर्स होगा. सो दोनों को यदि हम कंपेयर करें देन वी हैव एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर. और वी कैन नेगलेक्ट एम, दोनों तरफ एम से एम को कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास में जो स्मॉल जी आ जाएगा, स्मॉल जी यहाँ से जो स्मॉल जी आएगा दैट इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रह गया, जी एम अपॉन आर स्क्वेयर. दिस इज द फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. यहाँ पर जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एंड कैपिटल जी क्या हो गया, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. यहाँ पर ये जो आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, जिसको हमने क्या मान लिया कि दिस आर इज नियरली इक्वल टू बिटवीन द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दीज टू बॉडीज. क्योंकि ये जो बॉडी दिस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ. सो रेडियस ऑफ अर्थ को ही हमने क्या मान लिया, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस आर को डिस्टेंस मानकर जो हमारे पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए एक्सप्रेशन ये आती है. अब यहाँ से ये क्लियर है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है. इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ. इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ दिस बॉडी, साइज और शेप ऑफ दिस बॉडी. ये था हमारे पास में कंसेप्ट. थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग.